Hello everybody, this is Iqbal Khan from Travel Info bringing this video to you from Lahore, Pakistan. Viewers, आज की वीडियो में मैं अपनी चिकन ड्रमस्टिक बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि जी कैसे आप घर पर चिकन ड्रमस्टिक्स बना सकते हैं। इंतहाई आसान रेसिपी है, बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। आमतौर पर चिकन के अलावा ये इंग्रेडिएंट्स हमारे पास घर में मौजूद होते हैं, इसलिए बनाना आसान है। तो आइए बनाते हैं चिकन ड्रमस्टिक्स। ऑब्वियसली सबसे पहले जो आपको जरूरत पड़ेगी वो ड्रमस्टिक्स की है, और आप जो चिकन पोल्ट्री सेंटर है जहां से आप अपना चिकन खरीदते हैं वहां पर आपको अलहदा से चिकन ड्रमस्टिक्स मिल जाते हैं। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जी आप चिकन की सफाई किस तरह से करें। आमतौर पर ये शिकायत आती है कि जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह होती है कि थोड़ा बहुत ब्लड जो वेन्स में रह गया होता है उसको हमने रेसिपी मैरिनेट करने से पहले जो है वो निकालना होता है, और उसका निकालना बहुत अहम है। तो मैं आपके सामने आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि जब आप लाएं तो चिकन को वॉश कर लें और रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसके अंदर थोड़ी देर डुबो के रख दें, और उसके बाद आप उसको अगर इस तरीके से आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाली जो साइड है इसकी जहां पे कट होता है, अगर आप इसको इस तरीके से आप इसको अपने हाथ से दबाएंगे तो ये ब्लड जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपको ये स्क्रीन पर ये ब्लड नजर आ रहा होगा, उसकी वजह ये कि जी मैंने इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से दबाया है तो ये ब्लड जो है ये बाहर आ गया। और फिर आप इसके अंदर इस तरीके से अंगूठा डाल के तो इसको पूरा जो है अंदर से इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, ताकि जब कुक आप इसको करें फ्राई करें तो ये जो ब्लड है ये इसके अंदर ना आए। ये इसकी मेन चीज है कि आप इसको एम्प्टी आउट कर लें ब्लड से, और वैसे भी थोड़ी सी अगर कैविटी बन जाएगी तो ये मैरिनेट भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और इस पर कोटिंग जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप तमाम पीसेस को जो है वो ब्लड से साफ कर लेंगे, और इस तरीके के साथ आप इसको आप देखें किस तरह से अपेरेंटली ये क्लीन लग रहा था पीस, लेकिन किस तरीके से इसके अंदर ये ब्लड देखें कितना सारा ब्लड जो है ये बाहर जो है वो निकल रहा है इसके अंदर से। आमतौर पर आप अपने घर के अफराद के लिए अगर बना रहे हैं तो एक से दो पीसेस जो है पर फर्द होने चाहिए। एक आमतौर पर इंतहाई कम पड़ जाता है, अगर अच्छा बना हुआ हो तो घर के लोग जो है वो तीन तीन चार चार की भी डिमांड कर देते हैं। तो आजकल चिकन जरा महंगा है तो दो पीसेस प्रोबेबली सफाइस करेंगे। तो मैंने एक एक करके इनको साफ कर लिया है अपने ड्रमस्टिक्स को, और इनको एक दफा से फिर वॉश कर लिया है ताकि ब्लड जो है निकल जाए। और अब हम हर ड्रमस्टिक को एक या दो छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो आप इसको लगा के कट दूसरे बाउल में जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो मैं कोटिंग बनाऊंगा और इस ग्रीन बाउल के अंदर मैं इसको मैरिनेट करूंगा। तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं, और मैरिनेट करने के लिए जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स डालने की जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी जितनी आप बना रहे हैं आप नमक डालेंगे और अपने हस्पे जायका डालेंगे। एक चीज ध्यान में रहे कि नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज करता है। तो हमने नमक डाल दिया, रेड पेपर जो है रेड चिलीज वो थोड़ी सी डालूंगा टेस्ट को एनहांस करती है, थोड़ी ब्लैक पेपर डालूंगा मैं इसमें, और थोड़ी सी सोया सॉस, मैरिनेशन में सोया सॉस जो है वो हेल्प करती है, और इसको हाथ से या आप स्पून के साथ या फोर्क के साथ जो है वो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये चिकन जो है ये मैरिनेट हो गया, इसको आप 15 से 20 मिनट रख दें तो इनफ हो, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जितनी देर में आप बाकी चीजें तैयार करेंगे उतनी देर में चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमें जो है दो या एक या दो अंडों की जरूरत पड़ेगी। तो अंडा जो है वो हमने बाउल में तोड़ लिया, हरी मिर्चें जो है ये बिल्कुल हम बिल्कुल बारीक काटेंगे
और इसको बारीक चॉप करेंगे। इस तरीके से आप इसको बारीक चॉप कर लें, चॉप 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 चॉप, और बहुत ज्यादा तेज मिर्चे रखने की जरूरत नहीं। खासतौर पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप एक या दो हरी मिर्चें जो हैं पांच से छह पीसेस के लिए बहुत है। तो ये हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक जो है बिल्कुल बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, और ये भी हमने इस जहां तैयार डाला है जिस बाउल में उसमें हमने हरी मिर्च भी डाल दी। नेक्स्ट जो है हम एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, इसको छीलने के बाद हाफ में से काटेंगे और फिर इसको इस तरह से बारीक जो है आपका प्याज जो है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में, आपको ये मेरे हाथ पे नजर आ रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े जो हैं वो हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपसे इस तरह से बारीक ना कट सके तो आप फर्दर इसको जो है वो छुरी के साथ बोर्ड के ऊपर नाइफ के साथ जो है वो चॉप कर सकते हैं, और जो टुकड़े बाजूकात निकल जाते हैं इसके अंदर से तो उनको भी आप इस तरह से छोटा जो छोटा छोटा काट सकते हैं। मतलब ये है कि ये प्याज जो है इंतहाई बारीक कटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि ये कोटिंग के अंदर जाएंगे और जितने छोटे पीसेस होंगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए प्याज तो चॉप हो गया है, बारीक बारीक मैंने इसे चॉप कर लिया, लेकिन आंखों का जरा हशर हो गया, आंसू आ गए, और ये प्याज के आंसू हैं। ये आंसुओं की एक और किस्म है, इसके अलावा आंसुओं की जो किस्में होती हैं खुशी के आंसू, गम के आंसू और मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं जो। तो प्याज जो है हमने चॉप किया, वो भी हमने इस बाउल में जिसमें हमने एग और हरी मिर्चे जो है वो चॉप करके डाली हुई है इसके अंदर जो है हमने शामिल कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम मैदा डालेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है, और गेम डिपेंड ऑन कीजिए आपकी क्वांटिटी कितनी है, एक दो दफा आप ट्रायल करेंगे कम ज्यादा हो सकता है, उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। मैं इसमें तकरीबन तीन चमचे जो है इस वक्त जो है वो डाल रहा हूं, और जस्ट अ लिटिल कॉर्न फ्लावर, ये इसकी क्रिस्पीनेस को भी बढ़ाता है, तो थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर जो है वो मैंने डाल दिया इसके अंदर, और चुटकी भर जो है बेकिंग पाउडर जो है, और इसमें रह चुटकी गया हुआ है ये जो है आपने इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा सा जायफल। जायफल जो है वो खाने के टेस्ट को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। थोड़ा साल्ट कोटिंग के लिए, थोड़ा हाफ अ टीस्पून, थोड़ा सा उससे ज्यादा, रेड चिलीज ताकि कोटिंग में भी हमें जो है वो स्पाइसेस का टेस्ट आए और फ्लेवर जो है वो अच्छा लगे, और थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल आप चंद कतरे ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, और इसको मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें, और एकदम सारा ना शामिल करें ताकि बहुत जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, ये जो अमेजा है आपका कोटिंग का ये इतना होना चाहिए थिक के ये आसानी से जो है पीसेस को लग जाए, तो ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। मैंने इसको बना लिया है, थोड़ा सा आप इसको थिक रखेंगे क्योंकि थोड़ी देर अगर इसने पड़े रहना है तो प्याज ने अपना पानी छोड़ना है और ये फिर और थोड़ा पतला हो जाएगा, तो जस्ट लीव इट इनफ थिक, मतलब ताकि जब आप पीसेस को इसमें कोट करें तो कोटिंग जो है उसके ऊपर रुके, कोटिंग जो है वो पीसेस पे ठहर सके। आप चेक भी कर सकते हैं पीस को इसमें जब डिप करेंगे तो आप देखें इस तरह से पीस को चिमट रही है, तो फिर ये इनफ थिक है, इससे ज्यादा पतला आप इसको ना करें। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसको चिकन के ऊपर कोटिंग चढ़ाएंगे, और चिकन मैरिनेट हो चुका है इसके ऊपर अब हमने कोटिंग करनी होगी, तो मैं ये सारे पीसेस जो है इस कोटिंग के अंदर एक ही वक्त में डाल दूंगा, और अब ये जो थोड़ा बहुत अमेजा बच गया आप इसको जाया कर दें।
और इस तरीके से आप ग्लव हाथ पे चढ़ा सकते हैं, मैं क्योंकि अपने लिए बना रहा हूं और नादिया के लिए, तो हम एक दूसरे के लिए जो है वो नंगे हाथों से भी बना लेते हैं, मतलब इसमें ग्लव्स के बगैर भी। और जो है आप जहां पे आपने अंगूठा डाल के इसको इसके अंदर बनाया था, जगह बनाई थी, उसके अंदर भी आप थोड़ी थोड़ी जो है वो अमेजा जो है इसके अंदर हाथ से जो है शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप अपने पीसेस को जो है वो इन पे कोटिंग चढ़ा दें ताकि सारे पीसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर कवर हो जाए। और अब आप देखें तो इस तरह से आपका पीस जो है आपको नजर आएगा, इस पे कोटिंग चढ़ी हुई है और ये रेडी है। अब ये सिर्फ इनको फ्राई करना बाकी रह गया। और मीडियम साइज पैन के अंदर मैंने जो है वो ऑयल को हीट करने के लिए रख दिया है। और इसको मैं जो है किसी छोटे से पीस से डबो के चेक भी कर सकता हूँ इस तरीके से कि क्या गर्म हो गया है। और अभी शायद इसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए, मैं एक मिनट और दूंगा। और इस तरीके से मैं पीसेस को इसके अंदर जो है वो ड्रॉप कर दूंगा। डालने से पहले आप इसको थोड़ी सी कोटिंग, आप कैमरे में देख रहे होंगे, दोबारा भी लगा सकते हैं ताकि इनके ऊपर जो है इनफ कोटिंग जो है जब ये आप फ्राई करें तो हो। तो इस साइज के पैन में चार से पांच पीसेस जो हैं वो एक वक्त में फ्राई हो सकते हैं। आप इसको जो है इनफ टाइम के लिए चार से पांच मिनट जो है एक साइड से फ्राई होने देंगे ताकि ये प्रॉपरली फ्राई हो जाए, फिर इसको आप पलटेंगे। घड़ी घड़ी इसको पलटने की जरूरत नहीं है। और मीडियम हीट पे पकाएंगे क्योंकि अगर आप हीट ज्यादा रखेंगे तो बाहर से ये पक जाएंगे और अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। मीडियम हीट पे पकते हुए इनको तकरीबन चार मिनट हो गए हैं। अब मैं इनको पलट दूंगा ताकि ये अब दूसरी साइड से कुक हो जाए, मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाए। और अगर आप देखें तो ये लाइट ब्राउन हो गए हैं इस तरफ से और तकरीबन पक गए हैं। एक दफ़ा फिर हम इनको जब वो साइड पक जाती है तो इसको पलट देंगे एक दफ़ा फिर ताकि ये प्रॉपरली कुक हो जाए। मीनवाइल मैंने एक इस तरह से डिश तैयार कर ली है, इसमें दो टिश्यू पेपर रखती हैं, अगर आप चाहें तो बटर पेपर रख सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो है जो भी अवेलेबल हो, जिस तरह का भी टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनको दूसरी तरफ से एक दफ़ा फिर जो है जो साइड थोड़ी कच्ची रह गई थी वो अब हमने दोबारा इस तरफ से कर दिया है। एक से दो बार जो है आप पलट सकते हैं। और अब आप देखें तो आपको जो प्याज है वो स्लाइटली डार्कर ब्राउन हुआ हुआ इसके अंदर जो है ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये प्याज जो है थोड़ा डार्कर ब्राउन हुआ हुआ है और जब आप उसे खाएंगे तो ये आपको बड़ा अच्छा टेस्ट देगा। तो ले जी, अब हमारी ड्रमस्टिक्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो पक गई हैं, दोनों तरफ से फुली फ्राई हो गई हैं। और अब हम इसको अपनी डिश में निकाल लेंगे। आग को स्टेज पे हम आहिस्ता कर सकते हैं। तो जनाब हमारी चिकन ड्रमस्टिक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई हैं और आप देखें तो देखने में इंतहाई भली जो है वो दिख रही हैं। और जब आप इसे खाएंगे तो आप इसे इंतहाई टेस्टी पाएंगे। आप इसको किसी भी केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। चिकन ड्रमस्टिक बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की और आपको बनाकर डेमोंस्ट्रेट की है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको घर पर ट्राई करेंगे। इंतहाई इजी टू मेक है और घर पर ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। और वीडियो वॉच करने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फर्दर वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ। और पकाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें, ये फन है, मौज है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।